वेलकम दोस्तों दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने कोई भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ाइल में वो ऐप डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मैं आज के वीडियो में इसी पे बात करने वाला हूं कि आपके फ़ाइल में आप उस ऐप को कैसे बैकअप कर सकते हैं जो आप अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आप करना क्या है, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद इसमें आपको टाइप करना है सुपर बैकअप एंड रिस्टोर। यहाँ पे सुपर बैकअप एंड रिस्टोर यहाँ पे आपके टाइप करके यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसे डाउनलोड कर रहा था, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है ऐप, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया ऐप है। इसका आइकन यहाँ पे लोगो देख लीजिएगा, ये कैसा इसका कैसा लोगो है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें ऐप का खासियत है कि आप इसमें अपना कॉल लॉग और एसएमएस और कॉन्टेक्ट अपना कोई भी इसमें बैकअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपसे परमिशन अलाउ करने को कहेगा, तो यहाँ पे आप इसे अलाउ कर दीजिएगा। इसका कुछ इस तरह आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जितना सारा प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए रहेंगे ऐप वो यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों आप कोई भी ऐप यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करना है आपको। आपका ये ऐप आपके फाइल में बैकअप हो जाएगा, आपके इसी बैकअप के नाम से आपका फाइल बैकअप में हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।